उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो गाइस आज सरिया बांध देंगे और शायद आज वायरिंग भी होगी जी। कल इंशाल्लाह लेंटर डाल जाएगा। तो ये देखें, जिस तरह का मैंने आपको दिखाया था जी कि गारे की लेप हो गई, तो दो दिन हो गए अभी तक तकरीबन सूखा नहीं। कुछ जगह सूख गई, कुछ नहीं सूखी। ये देखें जी, कुछ जगह सूख चुकी है अभी और कुछ नहीं सूखी। ये देखें, तो आज सरिया भी बांध देंगे, देखें आज बांधते हैं या नहीं, क्योंकि आज अभी तो ये गिल्ला लग रहा मुझे। तो ये जी इसके अंदर सरिया डालना दीवार में, 4 इंच के अंदर जी चरी मार रहे हैं, सरिया डालना जिस तरह का मैंने आपको बताया था पहले, चरी मार रहे हैं जी। सरिया आ चुका है जी, देखें जी सारा सरिया आ चुका है जी। तो सरिया काटने वाले भी जा रहे हैं जी, चरी मुकम्मल हो चुकी है। अभी इस साइड पे मार रहे हैं चरी ग्राइंडर और थोड़े छाने की मदद से जी, सारा जिसकी मदद से सीधे काट रहे हैं जी सरिये के पीस। तो देखें जी आप, मैं से निशान लगा रहे हैं सरिये पे। यार कहीं पे जा रहे हो, बजाया तेरे पैर पे काटने लगे हैं, देखेंगे थोड़ा लग तो सरिये देखें। और ये साथ निशान लगा रहे हैं चाक के साथ, ये देखें सीधा कर रहे हैं जी वो देखें। और ये भी सरिया सीधा कर रहे हैं जी, और वो सरिया काट रहे हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम का कोई इसे काट रहे हैं, सीधी करेंगे जमीन पे मार के। इस तरह बाल नहीं होते, इस तरह लगा रहे हैं जी, ऊपर पकड़ाने लगे हैं जी। तो एक बंदा ऊपर खड़ा है और एक नीचे खड़ा है, ये देखें जी आसपास। सरिया ऊपर पकड़ाया जा रहा है, तो वो पीछे रख लें जी। तो चरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी बच चुकी है, ये थोड़ी सी रह गई, यहाँ पे चरी लगा रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है। सरिया तरतीब में यानी कि लाइन में रख रहे हैं जी, सरिया फैला लिया उन्होंने पूरी, यानी कि छत पे कमरे वाले छत पे सरिया बांधने लगे हैं। अभी सरिया भी सिर्फ रखा है मैंने, और यहाँ पे चरी मार रहे हैं जी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चरी बच गई है। पर आ रहे हैं जी, ये देखें बहुत ही भारी लग रही है, एक बंदा खींच रहा ऊपर से जी। ये देखें तो अब रिंग लगाने लगे हैं जी, और ये तारें पड़ी हैं। तो निशान लगाया हुआ जी जहाँ जहाँ ये रिंग लगाने डालने या नहीं। तार लगा के रिंग को खड़ा कर रहे हैं, कस नहीं है देखे।
भाई के ऊपर आ जाए। ये रास्ते के आगे भी सरिये डालेंगे। ये देखो ये गाइस, ये ना जो दीवार है उसके ऊपर ये फ्रेम टाइप बनेगा, बाकी साइडों पे इस तरह ही साथ एडजस्ट करेंगे इसके। अभी देखो बीम है, यानी कि बीम बीम टाइप बना रहे हैं। पीछे वाले तकरीबन सरिया बन चुका है, यानी कि एक एक शायद इसके ऊपर और डालेंगे सरिया। अब यहाँ पे सरिया छा रहे हैं। पहले इस तरह सरिया डाला जी, और अब इस तरह डाल रहे हैं। ये देखें तार बांध रहे हैं। तार उन्होंने बांध दी है, देखें तार बांधते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं सरिया पर, ये तार बांधते जा रहे हैं। भाई यहाँ से लेंथ है ऊपर पकड़ाई जा रहे हैं, और इस तरफ पे भाई लोग बांध रहे हैं जाल। ये पिलर बांध है, बीम जिसे कहा जाता है। देखें जी अभी इसमें वायरिंग होगी, मतलब वायरिंग वाले पाइप डाले जाएंगे, वो शायद कल डाले। और इस तरह भाई लोग भी काम कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं लेंथ की। और ये रिंग पड़े हुए और तार वगैरह पड़े हुए जो बांधनी है, जिसकी मदद से बांधेंगे लेंथ है। तो थोड़ी सी लेंथ रह गई है जी, ये लेंथ रह गई है बस, ये सामने पड़ी हैं, बाकी ऊपर आ गई हैं। देखें ये तरीका पकड़ने का भाई का, और वो भाई भी जैसे सेटिंग कर रहा जी, जाल बांध रहा है, पहले भी आपको बताया था मैंने। और ये फेंक रहे हैं ऊपर से, नीचे से पकड़ पकड़ के। काम करते करते शाम हो गई, असर हो गया तकरीबन 5:15 हो गया, अभी मुझे तकरीबन घंटा एक आधा पौना घंटा लग जाएगा भाई लोगों को, मगरिब हो जाएगी यहीं पे। तो वो जो पाइप वाली वायरिंग है, मतलब जो पाइप डालना है वो कल ही डालेंगे, आज तो कल सुबह पहले टाइम डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उनके सरिये को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तारे बांध रहे हैं। देखें तो इनमें भी जी बड़े बड़े रिंग डाले हैं, देखें जी जितना जितना यानी कि बीम आना उतने उससे बड़े ही हैं थोड़े थोड़े। तारे बांध रहे हैं, देखें तकरीबन आधे शरीर में बांध चुके हैं तारे, और बाकी बांध रहे हैं अभी 3-4 बंदे लगे हुए हैं। उस तरह बीम डाला है और उस तरह बीम डाला है, तो वहाँ पे भी बीम डाला, और मैं आपको दिखाता हूँ जाके एक ये बीम डाला है। ये देखो ये बीम, ये डाला जी बीम एक। अल्हम्दुलिल्लाह जी सरिया मुकम्मल बन चुका है, मगरिब होने वाली है जी, वो थोड़ा सा रह गया सिर्फ, बस सीढ़ियाँ रह गई सिर्फ।
शेड़ी होंगे सरिये को अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा सरिये बन चुका है तो कल इंशाल्लाह लैंडर डलेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है सारा जिस तरह का मैंने बताया आपको। सर जी ना जी कल आपको जिस तरह मैंने दिखाया था कि सरिया बांध दिया सर जी तो आज इंशाल्लाह जी लैंडर डलेगा जी। लेकिन सरिया अल्हम्दुलिल्लाह जी कल बांध दिया था मगरिब हो गई जी कल उन्हें बांधते बांधते लैंटर वाली मशीन आ चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बांध के वो जो खड़ा कर रहे हैं जी खंबा कह लें इसे आप इसके मदद से यानी कि ऊपर जाने रस्सी की मदद से खड़ा कर रहे हैं जी कितने ज़्यादा लगे हुए हैं चार पांच ये और एक दो ऊपर वायरिंग भी होने लगी जी भी तो लैंटर वाले भी आ गए भी हो रही है साथ साथ और लैंटर वाले जी अपना काम भी कर रहे हैं यानी कि एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो देखें भाई कहाँ चढ़े हुए हैं ये नीचे टुकड़े बिछा रहे हैं जी टाइलों के जो होते हैं इंटर टाइप टाइलें नहीं होती उसके टुकड़े बिछा के ना ऊंचा कर रहे हैं दो दो इंच में हल ऊंचा हो रहा है दो एक से डेढ़ इंच ऊंचा कर रहे हैं और यहाँ पर जी सनी और भाई हमारे ये वायरिंग कर रहे हैं मतलब वायरिंग वाले पैप डाल रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ने ये वायरिंग के पैप हैं ये डालने और कुछ जवान वहाँ काम कर रहे हैं ये देखें अब ये जा रहा है यहाँ पे नीचे पीस फंसाएंगे वो इंटों के टाइलें जो होती हैं और यहाँ पे ये भाई लोग मशीन सेट कर रहे हैं अपने ये बजरी वहाँ से जी वो बाहर से यहाँ पे बजरी फेंक रहे हैं ला ला के अभी रेत और सीमेंट आ रही है ये बजरी यहाँ फेंक रहे हैं ला ला के वो वहाँ पड़ी हुई है आपको वैसे बताया था वहाँ से भर के यहाँ पे फेंक रहे हैं और ये भाई अभी अपना सामान सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं और इन्होंने ये जो खंबा जिसे कहा जाता है वो बांध दिया तो सब लोग काम पे लगे हुए हैं ये मशीन भी तैयार हो रही है काम पे लगे हुए अपने फुल मेहनत कर रहे हैं बड़े बड़े मिस्त्री हैं ने बड़े सनी जी साथ लगा हुआ जी भाई थोड़ी बात से मिस्त्री भी हैं ने वो वायरिंग वाले पाइप डालने में तो तकरीबन आधे पौने घंटे तक काम शुरू हो जाएगा अभी उतनी देर वायरिंग वाले पाइप डाल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है थोड़ी सी रह गई है जी देखें जी तो इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बजने के करीब है तो अभी तक ये पाइपिंग नहीं हुई जो डलनी है वायरिंग वाली पाइप थोड़ा सा काम रह गया तकरीबन आधे घंटे का रह गया ये वाला काम बाकी ख़त्म हो गया और इस तरह ये जवान लगे हुए हैं जी ये इंटे इधर लगा दिए ताकि मसाला नीचे ना गिरे और वो देखें इंटे आगे लगा रहे हैं अंदर बैठे हुए हैं आराम से रिलैक्स कर रहे हैं थक गए हम चार घंटे ना ला के ना ऊपर और यहाँ पे जी जिस तरह बताया गया कि मसाला ना गिरे तो यहाँ पे बॉर्डर जहाँ जहाँ खिलाया वहाँ बॉर्डर लगेगा इंटों का जी सीमेंट आ चुका है जी और रेत की ट्राली भी वो आ गई है ट्राली आ रही है जी अब यहाँ पे उतरेगी ये बजरी के आगे करके और सीमेंट उतार दिया गया थोड़ा सीमेंट है थोड़ा गट्टू आए अभी और गट्टू आ रहे हैं सीमेंट के रेत अब उतर रही है जी पदार्थ का संघर्ष है हम पर हटाया हमें
तार भी अच्छे तार है। थले बैठे भाई ये जलेबियाँ लेके आया था मैं इनके लिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले पेट पूजा हो रही है फिर काम करेंगे, और जो बाकी ऊपर है उनके लिए ऊपर ले आया मैं लादा, बाकी वो भाई लोग अभी खाने के बाद शुरू करने लगे हैं। अभी यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिशियन लगे हैं भाई लोग अपने, जो उनके हिस्से की है सारी बरकत। तो गाइस शुरू हो चुका है जी अल्लाह पाक के करम से, ये पहली रेड की बिस्मिल्लाह की बरकत से। बिस्मिल्लाह रब की शान। तो वहाँ से रेत भर भर के डाल रहे हैं मशीन में और बजरी, वो भाई सीमेंट की ड्यूटी है और उस भाई की चलाने की और पानी डालने के साथ साथ। और यहाँ पे वायरिंग का काम अभी तक नहीं खत्म हुआ, बस थोड़ा सा रह गया, 11 बजने का टाइम करीब हो गया, 11 बज चुके हैं, तो वायरिंग का बस 10-15 मिनट वहाँ काम है। यहाँ पे जी ये मग बन रहा है जी, और ये वायरिंग वाला काम, ये जो पाइप है इलेक्ट्रिक जो पाइप है वो बस थोड़ा सा काम रह गया उनका भी। मैंने तो कहा था घंटे का काम है, लेकिन जब काम शुरू होता है तब पता चलता है कितनी देर का। रास्ता नहीं है जाने का, मसाला पड़ा हुआ इसलिए करते हैं वीडियो। सीढ़ियाँ कर रहे हैं जी, इसकी वजह मुझे नहीं पता कि पहले सीढ़ियाँ कर रहे हैं ताकि थक जाए शायद, और यहाँ से अपना रास्ता बना के पीछे जाएंगे, जिस बाले लगा रहे हैं साथ साथ रास्ता बनाते जा रहे हैं पीछे जाएंगे। जी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है जी, तो अब ये कंक्रीट डालना शुरू कर दिया। तो मिक्सचर बन के अभी ऊपर आई जा रहा है, वो पीछे ले देखें रेत भर भर के बजरी भर के मिक्सर बना के जी ऊपर आ रहा है। सीढ़ियाँ बना रहे हैं जी, सीढ़ियों पे
जगह वगैरह बन रही है बना रहे हैं। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी आधी आधी छत कंप्लीट होने वाली है जी, तकरीबन आधा हिस्सा कंप्लीट होने वाला जी। तो लगे हुए जवान और यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रहे हैं जी। ये देखें ट्राली आई है जी, तो गली में फेंकवाएंगे, थोड़ा सा ही रह गया तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आधा हो चुका है गराज, और ये गराज और ड्राइंग रूम रह गया, और थोड़ा सा किचन, किचन कह रहा सॉरी छोटा कमरा जो बना है आधा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सीढ़ियाँ बन रही हैं यहाँ पे देखें, तो इतना सा हिस्सा रह गया जरा। ट्राली आई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन थोड़ा सा लेंटर रह गया, तो जो देखें सिर्फ गराज और आधी बैठक रह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे तो मुकम्मल हो चुका है जी गाइस। तो ये वाला भी रह गया शेड से, और सीढ़ियाँ वह बना रहे हैं, सीढ़ियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन सारी छत मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ ये इतना सा हिस्सा रह गया जी क्या मैं खड़ा हूँ, सिर्फ गराज रह गया, गराज भी थोड़ा सा रह गया, बाकी सीढ़ियों में मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये देखें सीढ़ियाँ ईंटें रख रख के बनाई हैं, तो ये मैं आपको दिखा नहीं सका ज़्यादा, क्योंकि गाइस नीचे रास्ता नहीं था और अंधेरा था, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सका। मुकम्मल हो चुका है जी, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल थोड़ा सा फ्रंट वाला हिस्सा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है जी। ये देखें तो अभी गिल्ला जी, कल इसमें हम पानी भी डालेंगे, ये पानी का डक्का लगाएंगे गाइस यानी, और ये सीढ़ियों में मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो जगह छोड़ दी यहाँ पर मग है ये मुकम्मल हो चुका है लेंटर, तो ऊपर से भी मैं जाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये अपने औजार वगैरह खोल रहे हैं जी, तो वो देख आई पड़ी है वो जिस मुकम्मल हो चुका है लेंटर, ऊपर से भी मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। तो अपना आप सामान खोल रहे हैं, और ये देख पड़ी जी आई पड़ी है जी, तो आप सामान वगैरह अपना इकट्ठा कर रहे हैं, धो रहे हैं जी। तो यहाँ पे अंदर बैठे अपने खाने का इंतजाम किए जी, इनके खाना खोलने लगे हैं जी, अंदर सेटअप लगाया, तकसीम करना शुरू कर दी, यानी खाना तकसीम करना शुरू कर दी गया, जब भी मजदूर आ रहे हैं कुछ तो अंदर लंगा चाह रहा जी, और चोरी की थी, तो वे मल्लेदारों के घर दे रहे हैं जी, जो एक दो तीन घर रहे हैं साइडों वाले, हम सायों के घर भेज रहे हैं जी। ये बोतल चोर है, अपने घर जा रहे हैं जी, खाना वगैरह खा लिया उन्होंने, तो ऊपर से मैं आपको जाकर दिखाता हूँ जी, मुकम्मल हो चुका है, सीढ़ियाँ भी बन चुकी हैं, तो वो ऊपर से जाकर मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो अभी सीढ़ियाँ नहीं गिली हैं जी, तो ईंटें इसलिए उन्होंने रखी हैं ताकि सूख जाए। तो ये देखें जी,
तो यहाँ पे मागो होगा जी छोटा सा, बाकी वायरिंग भी मुकम्मल हो चुकी है जी। ये भी एक पाइप है, इसमें भी तार जाएगी जी, एक वो है और एक ये है दीवार के साथ। अल्लाह ने गुस्से में जी जलेबियां खिलाई थी मजदूरों को और बच्चों को टाके मारे।